मैं ऋषि भारद्वाज और अगला न्यूज चैनल के काशीपुर बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की फटाफट खबरों पर। नवचेतन भवन में उत्तराखंड एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी की पुण्यतिथि समारोह का आयोजन किया गया। नगर निगम टीम ने चलाया सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा फेंकने वालों के विरुद्ध अभियान। एक अभियुक्त को 50 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ किया गिरफ्तार। समाज में भय फैलाने पर 2 लोगों के विरुद्ध गुंडा एक्ट में हुई कार्यवाही। काशीपुर सीपी टीम ने एक रेट्रो साइलेंसर बुलेट बाइक को किया सीज। नगर निगम व प्रशासन द्वारा मेन मार्केट और रतन सिनेमा रोड पर अतिक्रमण अभियान चलाया गया। गेस्ट हाउस में आज बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शीशपाल चौधरी ने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से की मुलाकात। अब खबरें विस्तार से। द्रोणासागर रोड स्थित नवचेतना भवन में उत्तराखंड एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी की पुण्यतिथि समारोह का आयोजन किया गया, जिस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कार्यक्रम में शिरकत की। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, काशीपुर मेयर उषा चौधरी, जसपुर विधायक आदेश चौहान और कार्यक्रम संयोजिका विमला गुड़िया ने माँ सरस्वती और स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी के चित्र के सामने दीप जलाकर पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। देश के निर्माण में, देश के आज़ादी में, उत्तराखंड के विकास में, उत्तराखंड के निर्माण से लेकर उत्तराखंड के विकास में जो उनका भूमिका रही है, वह दृष्टांत बहुत कम देखने को मिलेंगे आने वाले समय में। युग पुरुष थे और मुझे उनके संरक्षण में एक कार्यकर्ता के रूप में उत्तर प्रदेश के में और उत्तराखंड में काम करने का अवसर मिला। और मैं कह सकता हूं कि सदैव नारायण दत्त तिवारी जी का आशीर्वाद से मैं आज जो भी हूं, उन्होंने मुझे आगे बढ़ाया, उन्होंने मुझे अपना आशीर्वाद दिया, उनसे मैंने राजनीति का कौ सीखा। तो ये हम सब का जिम्मेदारी है, ये दायित्व है कि सदैव नारायण दत्त तिवारी जी का जो विकास परक सोच थी, जो उनका कमजोर वर्गों के लिए, दलितों के लिए, शोषितों के लिए, वंचितों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए सर्वधर्म संभाव के प्रत्येक के रूप में उन्होंने काम किया, अजात शत्रु थे तिवारी जी, उसे हमें सीखना चाहिए। और उनके जो बताई राह है, जो उन्होंने कहा उत्तराखंड को एक आदर्श राज्य के रूप में देखना चाहते थे, उसको हम आगे बढ़ाने में हम सबको प्रयास करने चाहिए, सबको मिलजुल कर उनके बताए रास्ते पर चलना चाहिए। सर, 5 साल सरकार चलाने का भी श्रेय जो है वो तिवारी जी के पास जाता है कि 5 साल उन्होंने चलाई, वरना तो राज्य बनने के बाद से 2.5 साल के सीएम रहे। देखिए, व्यापक अनुभव, और मैंने कहा ना, सबको साथ लेके चलने की मनोवृत्ति प्रवृत्ति उनकी रही जी। और जो एक आधारशिला सदैव नारायण दत्त तिवारी जी विकास की यहाँ पर रख गए, और जो उन्होंने मूर्त रूप दिया विकास का, उसके सरकारें आती रही हैं, लेकिन जो उन्होंने किया है वह एक इतिहास के पन्नों में सुरक्षित सा है। और जो आज हम अपेक्षा कर रहे हैं, वो विचारधारा, वो सोच, वो सबको साथ लेके चलने की प्रवृत्ति आज दिखाई देती है राजनेताओं में, उसमें सभी हम लोग शामिल हैं। देखिए, विकास पुरुष के नाम से उन्हें दुनिया जानती है, और ऐसे व्यक्ति की पुण्यतिथि और जयंती मनाने का सौभाग्य मुझे भी आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है काशीपुर में, क्योंकि काशीपुर ही उनकी कर्मस्थली है। और उनकी मतलब काम की कोई, मैं समझता हूँ ना, ऐसा नेता हुआ है ना होगा जो उनकी सोच थी, हर गरीब व्यक्ति तक चाहते थे कि वो विकास की योजना उनके लाभ तक पहुँच सके, क्योंकि वह बहुत, दोनों स्टेटों के मुख्यमंत्री वो रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, राज्यपाल रहे, लेकिन उसके बाद भी उनमें जो एक जज्बा था काम करने का, इतनी एज के बाद भी, मैं समझता हूँ वो किसी में नहीं है। हमारे प्रदेश में जो भी विकास हुआ है और जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई है, वो उन्हीं की बदौलत है, और हमारी पार्टी जो है उसी को, उन्हीं के रोड मैप के ऊपर हम लोग आगे काम कर रहे हैं, और उन्हीं की वजह से आज जो प्रदेश जो है, जो स्टेज पे है, उन्हीं की बदौलत है। आज हम ही सब कांग्रेस के लोगों ने नारायण दत्त तिवारी की पुण्यतिथि मनाई, और जैसा कि सर्वविदित है, माननीय पंडित नारायण दत्त तिवारी विकास पुरुष थे। उन्होंने अपने क्षेत्र काशीपुर ही नहीं, पूरे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पूरे देश के अंदर विकास के कार्य किए, और यही नहीं, नारायण पंडित नारायण दत्त तिवारी विपक्ष के में भी पूजे जाते थे, क्योंकि उनके एक काम करने की नियति थी, और वह कभी काम करते समय ये देखते ही नहीं थे कौन
विपक्ष पार्टी का है, कौन अपनी पार्टी का है, उनका सिर्फ एक ही काम रहता था कि वह विकास की सोच रखते थे और विकास को आगे बढ़ाने का काम करते थे। रूम का बस कल से चाय, कल से चाय मेरे रूम में। देवर पर नमकीन। काशीपुर नगर निगम टीम द्वारा लगातार सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा फेंकने वाले लोगों के विरुद्ध अभियान में स्वास्थ्य नगर अधिकारी डॉक्टर अमरजीत सिंह सानी ने बायोमेडिकल वेस्ट का निस्तारण नियमानुसार न उठाने पर 4 लोगों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करते हुए 10,000 रूपए का चालान कर कड़ी हिदायत देकर छोड़ा। साथ ही मुख्य नगर आयुक्त ने बताया कि इस प्रकार के अभियान लगातार भविष्य में भी जारी रहेंगे। प्लास्टिक, गंदगी, सार्वजनिक स्थल पर गंदगी, साथ ही जो आपका अपशिष्ट होता है मेडिकल वेस्ट, इन तीनों को लेके कार्रवाई की गई थी और उसमें 6 लोगों के विरुद्ध जो है जुर्माने हुए थे, जो कि आपका 10,400 रुपए के जुर्माने हुए थे। ये अभियान निरंतर जारी रहेगा, आज भी अभियान चलेगा। अतिक्रमण के विरुद्ध जैसा कि आप देख रहे हैं अभियान चल ही रहा है, तो निरंतर हम जो है सक्रिय हैं, अभियान अपना चला रहे हैं। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से किसी भी नियम का जो भी उल्लंघन कर रहे हैं, उनसे मेरा आग्रह होगा कि हम जो है चालान करके पसंद नहीं होते हैं, क्योंकि हमारा दायित्व है नियमों का पालन करना, इसलिए हम आपको डिस्टर्ब करने आते हैं। यदि आप नियमों का उल्लंघन नहीं करेंगे तो हम आपके पास नहीं आएंगे। आप जो है समुचित तरीके से, अच्छे तरीके से अपना व्यापार करिए, लेकिन नियम के दायित्व। जनपद उधम सिंह नगर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजुनाथ टीसी द्वारा चलाए जा रहे अवैध कच्ची शराब के विरुद्ध अभियान में कोतवाली पुलिस ने गश्त के दौरान एक अभियुक्त को ग्राम सीतापुर हाइदल के पास से गिरफ्तार किया। साथ ही पकड़े गए अभियुक्त के कब्जे से 50 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की। अभियुक्त के विरुद्ध आबकारी अधिनियम में मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी गयी है। काशीपुर कोतवाल मनोज रतूड़ी ने आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त पाए गए 2 लोगों पर गुंडा एक्ट में कार्यवाही करते हुए मुकदमा दर्ज किया। पुलिस द्वारा अपराधियों की चालानी रिपोर्ट न्यायालय को प्रेषित की गई है। पिछले कई वर्षों से क्षेत्र में दबंगई व गुंडागर्दी दिखाकर समाज में भय व्याप्त करने के मामले में गुंडा एक्ट में कार्यवाही की गई। पुलिस मुख्यालय द्वारा चलाए जा रहे रेट्रो साइलेंसर के विरुद्ध अभियान के अंतर्गत काशीपुर सीपीयू टीम ने बीती शाम रामनगर रोड पर एक बुलेट बाइक को पकड़ा और उसमें रेट्रो साइलेंसर पाए जाने पर एमवी एक्ट के तहत चालानी कार्रवाई करते हुए बुलेट बाइक को सीज किया। रूम का बस कल से चाय, कल से चाय मेरे रूम में। देवर पर नमकीन। काशीपुर नगर निगम प्रशासन द्वारा मेन मार्केट और रतन सिनेमा रोड पर अतिक्रमण अभियान चलाया गया। साथ ही काशीपुर मुख्य नगर आयुक्त विवेक राय ने बताया कि हाई कोर्ट के निर्देश अनुसार लगातार अतिक्रमण अभियान जारी है, जिस दौरान मेन मार्केट में सभी अतिक्रमणकारियों का चालान करते हुए उन्हें कड़ी हिदायत देकर छोड़ दिया गया। मुरादाबाद रोड स्थित मंडी गेस्ट हाउस में आज बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शीशपाल चौधरी ने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से मुलाकात की। साथ ही उन्होंने बताया कि वह उत्तराखंड के दौरे पर हैं, जहां वह कुमाऊं और गढ़वाल में सभी बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से मुलाकात कर आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर एक मीटिंग करेंगे और सभी के साथ आगामी चुनावों की रणनीति तय करेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। काशीपुर से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सुरागिला न्यूज चैनल से। धन्यवाद।